नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चंद्रदेव परवाल। आप देख रहे हैं जम्मू से दैनिक लाइव न्यूज 24। दर्शकों, अभी मैं जम्मू जिले के सोनो प्रखंड अंतर्गत लखनकारी पंचायत के डुआ गांव में उपस्थित हूं। यहां पर अयोध्या धाम से आए अक्षत का वितरण पूरे गांव में ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर इस पंचायत के मुखिया जी, मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कार्यक्रम है। सर, सबसे पहले अपना नाम और परिचय लें। जी, मैं लखनकारी पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि दिगंबर पांडे जी। सर, आज क्या कार्यक्रम है, इतने सारे बच्चे लोग उपस्थित हैं? 5 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, उसी के अवसर पर अयोध्या से आए हुए अक्षत को हर पंचायत में, हर गांव में, हर जिला में बताया जा रहा है। और आज लखनकारी पंचायत के डूबा में हम लोग स्थित हैं। हर घर में जाके वहां से आए हुए अक्षत को वितरण करना है, उसी में सब युवा मंडली के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाला गया है। उसी में आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर जो अक्षत लेकर के खड़े हुए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं इस अक्षत को लेकर? धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपके हम लोग अक्षत अच्छा कहाँ से आया आपको? कहाँ लेके जा रहे हैं? घर घर में वितरण कर। अब वितरण के साथ क्या करना है आपको? वितरण के साथ यानी 22 तारीख को जो है आज वो दिया देवस्थान में जाना है और मोमबत्ती के साथ ठीक है। धन्यवाद। काटिए। अब हमारे साथ एक समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, ये जो यहाँ लोग काफी संख्या में उपस्थित हैं, जिसमें युवा वर्ग के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, काफी हर्षोल्लास खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इन लोगों को? नौजवान नौजवान ही ऊर्जावान होते हैं और बच्चे देश का भविष्य हैं और धर्म में बहुत बड़े बड़े चारक होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला मूर्ति का जो राम प्रतिष्ठा होने होने जा रहा है, इस उद्देश्य से जो है वहाँ से जो अक्षत आया है वो मैंने है क्या उद्देश्य क्या है कि हर पूरे हिंदुस्तान में हर घर में ये अक्षत जाए और हिंदुओं में एक जागृति पैदा हो, शक्ति हो, ऊर्जा हो कि हम हिंदुस्तान है, ये हम हिंदू एकजुट होकर के ये दीपोत्सव के रूप में मैंने हर घर में 5 तारीख को देखें उनका प्राण प्रतिष्ठा और 5 दीपक जलावें, जिससे कि ये मैंने अंतःकरण से हृदय से मैंने भगवान जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान का होने जा रहा है, हम हृदय से जो है मैंने उत्साहित हैं और उन लोगों को उत्साहित करें। ठीक है। अब हमारे साथ देखें इसी ग्राम के ग्रह समाज के जुड़े हुए, क्या नाम है ईश्वर साहब कहाँ जा रहे हैं? अभी जो इतने बच्चे लोग उत्साहित हैं अयोध्या से जो अक्षत आया वितरण करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे बच्चे लोगों को आप? ये बच्चा लोग सब सनातन धर्म जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार साहब है। कौन सा गांव है ये? डुब्बा गांव है। क्या कार्यक्रम है आपका? ये अयोध्या से कुछ मतलब अक्षत आए हुए थे, उन्हीं को वितरण कर रहा हूँ ग्रामवासी। वितरण के साथ क्या आपको भी देना है? वितरण के साथ हम लोग यही बता रहे हैं कि 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, उसी के साथ मतलब 5 दिया जलाना और राम मंदिर का नाम अच्छा जो आया है, इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम लोग हिंदू धर्म से मतलब लोग के लिए और कितना गर्व, बहुत बड़ा गर्व का बात है। ठीक है। धन्यवाद। ये क्या चीज मिला आपको, पता है? अक्षत मिला है। क्या करना आपको? है आपको और क्या करना है? दिया जलाना है घर में, दिया जला करके दीपावली उत्साह मनाना है। क्या नाम है बाबू?
ये क्या चीज मिला आपको? क्या करना है इससे? ठीक है तुम्हारा, ये क्या मिला आपको? अच्छा क्यों मिला? अच्छा जानते हैं, दिया जलाने, दिया जलाने के लिए। चलिए ठीक।